लोक कहते थी और केंद्र सरकार में कौशल विकास मंत्री और उससे भी ज्यादा मेरे बहुत मित्र हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे। मेरा इनसे 40 साल पुराना नाता है। जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तब से हमारी मित्रता है। और जीवन में संघर्ष से, नॉलेज से, विद्वता से, मेहनत से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका पांडे जी। और वंदना और मुकेश, इनके बारे में क्या कहूं, मेरा परिवार है। आज जिन ऊंचाइयों पर ये पहुंचे हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हमें बहुत गर्व है आप पर वंदना और मुकेश। मित्रों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं वीएससी इंस्टीट्यूट को। 18 साल पूरे किए, आसान नहीं होता। आज वाकई में वीएससी इंस्टीट्यूट जवान हो गया है और इस जवानी को पाने के लिए, इस प्रामाणिकता तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुकेश मुझसे कह रहे थे कि लोग आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेरणा मिलती है। क्या बताऊं, ये जो टीवी पर आप देखते हैं ऐसी सेक्सी लाइफ नहीं है मेरी। जब बचपन याद करता हूं, पांडे जी कह रहे थे तारों को देखने की कभी कभी कोशिश करनी चाहिए। बचपन तो तारों की छांव में बीतता था। घर पे एक छोटा सा कमरा था, 10x10 का। 7 भाई, 1 बहन, 1 माँ पिताजी, 10 लोग हम उस घर में रहते थे। उस कमरे में हम लोग फर्श पर एक साथ सो भी नहीं पाते थे। तो जैसे कपड़े के थान लगाने के लिए तख्ते लगा दिए जाते, तो एक के ऊपर वो तख्त लगा के उसके ऊपर सोते थे। कभी कभी गिर भी जाते थे ऊपर से। घर में नल नहीं था, पानी नहीं था, तो गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां पे हम सब लोग नहाते थे, सर्दी हो गर्मी हो। और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए, एक बहन के लिए ले आते थे, जो उसी कमरे में एक फटी साड़ी टांग के उसके पीछे नहा लेती थी। घर में बिजली नहीं थी, पड़ोस में रेलवे स्टेशन था, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, वहां जाके रात में पढ़ता था, क्योंकि वहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस जमाने में जो पुराने लोग हैं उन्हें ध्यान होगा कि अमेरिका से गरीब बच्चों के लिए पाउडर का दूध आया करता था, लाइन में लग के वो दूध ले आते थे और उसको गर्म करके कई कई दिन वो दूध पी के काम चलता था। लेकिन ऐसे समय में संघर्ष था, तकलीफ थी, दुख था, लेकिन इच्छा शक्ति थी। और ये इच्छा शक्ति हमें मिली हमारे बाबूजी से, मेरे पिताजी से। मैं बाबूजी से कहता था कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, अच्छा स्कूल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा घर होता, अच्छे स्कूल में जाते, अच्छे कपड़े पहनते, खाने को अच्छा मिलता, खुश रह लेते, तो कौन सी बड़ी बात थी। चुनौती यह कि अभाव में, गरीबी में सुखी रह के दिखाओ, खुश रह के दिखाओ। और यह हमने उनसे सीखा। पहला पाठ आपको यह पढ़ना चाहिए, संघर्ष होगा, तकलीफ होगी, अभाव होंगे, लेकिन घबराना नहीं। इस देश की मिट्टी में ऐसा कुछ है। मैं अकेला उदाहरण नहीं आपके सामने। इस देश की मिट्टी में वो ताकत है, एक आदमी जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज देश का प्रधानमंत्री। महेंद्र पांडे जी हमारे यहां सामने बैठे हैं, बहुत साधारण परिवार से थे। गरीबी देखिए, आज देश के कौशल विकास मंत्री हैं, इनके पास जिम्मेदारी है देश के करोड़ों युवकों को, नौजवानों को काम करना सिखाए, उन्हें बड़ा बनाए। ये इस देश की मिट्टी। वंदना मुकेश, इनका उदाहरण हमने देखा है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो चुनौती है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये समाज के संघर्ष, ये गरीबी, ये भाव आपको बार बार चैलेंज करेगा। और किसी कवि ने कहा कि मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूं, मेरी रोशनी दुश्मनी अंधेरों से है, हवा तो खामखा मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, दिए बहुत बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाए। जब जीवन में संघर्ष था, कभी सोचा नहीं था कि हम टीवी पर आएंगे, लोग हमें देखेंगे, ये कल्पना नहीं थी। घर में तो बिजली नहीं थी, तो टीवी सवाल ही नहीं पैदा होता था, कभी देखा भी नहीं था। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव होता है जो जीवन में सफल हो जाता है। उस जमाने में सिर्फ एक दूरदर्शन था, और जो टीवी पर फिल्म आती थी, आधी फिल्म शनिवार को आती थी, बची हुई फिल्म संडे को आती थी। तो जब हम शनिवार को किसी पड़ोस के घर में, जिसके घर में टीवी था, वहां खड़े हो जाते थे, बाहर दरवाजा खोलते थे, उनके घर में जाके फर्श पे बैठ के पिक्चर देख लेते थे आधी, फिर आधी देखने जब अगले दिन संडे को गए। अब एक बार ऐसा हुआ कि आखिरी जब अगली फिल्म देखने को गए संडे को, आधी बची हुई, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला, मैं घर वापस आया, आंख में आंसू थे। अब बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों आंख में आंसू? तो मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह फिल्म देखने गए थे, आधी देखी थी, आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा, तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। आठ नौ साल का था, शायद बाबूजी की ये वाक्य कहीं दिल में, दिमाग में, आत्मा में छप गए थे। बार बार एक चीज वो हमें सिखाते थे, मुसीबतें तो आएंगी, जीवन है तो संघर्ष तो होगा ही, लेकिन उससे लड़ना सीखो। जब मैंने स्कूल में अच्छे नंबर पाए, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा दाखिला हुआ, उस समय अंदाजा नहीं था कि हमारे जो सीनियर थे कॉलेज में, पहली मेरी मुलाकात हुई अरुण जेटली से, भारत के वित्त मंत्री बने, बहुत बड़े वकील बने। कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े लोगों से हमारा परिचय होगा। आज जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देश के बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग जगह पहुंचे लोग। लेकिन इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जब जब जिससे मित्रता की, जब जब जिससे दोस्ती की, उससे सीखने को मिला। और बार बार एक चीज का एहसास होता था कि कुछ पाना है। उस समय सपने नहीं थे, सपने बहुत छोटे सपने थे, ये सोचते थे कि एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं, बीकॉम करेंगे, और बहुत हुआ तो एक बैंक में क्लर्क बन जाएंगे। उस जमाने में बैंक में जो लोग काम करते थे उनको ओवरटाइम मिला करता था। लेकिन परिस्थितियां बदली, भाग्य बदला, और फिर मौका मिला पत्रकारिता में आने का, और एक के बाद एक अवसर मिलते गए। और इससे मैंने ये सीखा कि आदमी को सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। और आज आप अपने जीवन में इस मुकाम पर हैं, आज आपने एक डिग्री, एक डिप्लोमा हासिल किया है, जीवन के संघर्ष के मैदान में आप उतरने वाले हैं। तो सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। दो तरह के सपने होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, एक वो सपने जो हम रात में देखते हैं सोते हुए, और एक सपना वो होता है जो हम दिन में देखते हैं, जिसे पूरा करने के लिए मैं रात को नींद नहीं आती। तो वो सपने देखिए जिन्हें पूरा करने के लिए आपको रात में नींद ना आए। आपको लगे देश के विकास में आप कहीं भागीदार बन सकते हो, जैसा पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सौंदर्य ये तो हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, हमारे अंचल में, हमारे देश के कोने कोने में है,
और आप लोगों को सुख देने का काम करेंगे, आप लोगों को सुंदर बनाने का काम करेंगे, आप लोगों को बेहतर जिंदगी देने का काम करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे देश को इसकी बहुत जरूरत है। और आपने जो सीखा, और मैं तो बहुत आश्चर्य मुझे देख करके कि जो लोगों ने VLCC इंस्टीट्यूट में सीखा, किसी की 50 करोड़, किसी की 10 करोड़, किसी की 2 करोड़ की टर्नओवर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई वंदना जी आपको कि आपने ऐसे लोग किए थे।